कोई परमिशन ना लेकर काफ़ी बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया, इस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर यहाँ पर लगभग 125 के करीब बच्चे जो इस तरह इस प्रकार इकट्ठे किए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अवहेलना की है, और उसको कोई भी इन प्रकार का इन्होंने कोई लाइसेंस भी नहीं लिया हुआ कि या कोई सेंटर चला रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं, और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें किस किस का कौन आता है आगे उसको लेंगे। क्षेत्र लगभग 125 130 अलग अलग हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट ने भी शिकायत, अभी शिकायत वो पूछ रहे हैं, कुछ अभी तक नहीं आई है, अभी वो पूछ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, कोई शिकायत करेगा तो उसको भी बीच में लेंगे। किस तरह की एजुकेशन दी जाती है? कोई मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं, अभी पूरा इनसे हासिल कर लेंगे क्या ये देना चाहते थे, बच्चों से भी बयान लेंगे भी किस लिए बुलाया हुआ था, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन में रहे। सर, संस्थान के कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड मिला आपको कि अंडर रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में है? नहीं, अभी हम देख रहे हैं, इसमें संस्थान का कोई नहीं है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, अभी ये कुछ दे रहे हैं, क्या है हमारे पास है तो दिखाओ, अब इनके कुछ आने वाले हैं पीछे से कह रहे हैं हमारे यहाँ दिखाएंगे, जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई। हाँ हाँ, कार्रवाई उसमें FIR दर्ज करेंगे, वो तो इन्होंने परमिशन ले ली, बोल ही रहे हैं कि आए गुप्त सूचना जैसे पुलिस को मिलती है उस पर ही आए। मालिक के बारे में जानकारी मिली इसका? अभी मिल जाएगी, आ रहे हैं, कर रहे हैं, इसका पता कर रहे हैं, पहुँचे हैं, अभी जानकारी से पहले आप पहुँच गए हैं तो आपको बता दिया जो कुछ अभी। आज सूचना मिली थी कि जलबेड़ा रोड पे एक कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ के बच्चों को कोचिंग दी जा रही है, और वहाँ पर 100-125 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनको बच्चों को कोचिंग देने के लिए कोई परमिशन इनके पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं और बच्चों से पूछताछ की जा रही है, और इसके बारे में जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। नहीं, सूचना ही मिली थी, सूचना मिली थी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें जो भी है लॉकडाउन के नियम है उसकी है, या कोई जो भी इसमें, जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक पाया जाएगा जो भी है उसके मुताबिक कार्रवाई की। अभी कुछ नहीं, अभी तफ्तीश जारी है। बच्चे हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, कई जगह के अलग जी। हाँ, जाँच कर नहीं, हिरासत में नहीं, अभी बच्चों से भी पूछताछ जारी है, उसके मुताबिक ही कार्रवाई की। मालिक तो कोई सिरसा से हैं, बाहर से हैं अभी। हाँ, आगे उनका स्टाफ। कितने टाइम से चल रहा है कंपनी यहाँ से? ये तो 2017 से बताया गया। आपका नाम क्या है? सुनेश कुमार सर। इधर कैमरे को जी सर, नौ बाजार सर, झारखंड सर जी। झारखंड? झारखंड से। कब से यहाँ काम कर रहे हो सर? 3 दिन हो गया सर, ट्रेनिंग चल रहा है सर। क्या क्या बुलाया गया था? क्या क्या के जॉब नहीं सर, काम करने के लिए कंपनी में जो पैकिंग होता है उसका बुलाया गया सर। तो यहाँ ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ नौकरी मिलनी थी? नो सर, इधर सिस्टम के बारे में सिखाया जा रहा था सर कि एक बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस के बारे में। हम लोग उधर उतना मतलब अपने गांव से इधर आए थे काम करने के लिए सर, इधर ट्रेनिंग सिस्टम बिजनेस वो सब सीख रहे सर। किस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं? यहाँ पर बिजनेस का सर ये तो नहीं कर सकते सर, जो भी हो जाए सर। क्या आपको क्या क्या बुलाया था सर? काम करने के लिए सर आए थे हम, कुछ कह के लिए बुलाए नहीं थे, काम करने के लिए खुद आए सर। किसने बुलाया था? हमारे फ्रेंड ने। कोई पैसे वगैरह भी दिया आपने? नो सर, पैसे नहीं दिए। ट्रेनिंग के पैसे 2000? नो, ट्रेनिंग के। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।